बहुत सारे लोगों के मन में हमेशा ही ये कामना रहती है कि वे अपना भूत भविष्य वर्तमान बड़ी आसानी से देख सकें, सपने के माध्यम से देख सकें, और काफी लोगों के पास तो ऑटोमेटिक ही अपने आप ही ये शक्ति पहले से ही मौजूद रहती है। इसीलिए आपने काफी बार खुद भी ऐसे लोगों को देखा होगा जो होने वाली घटनाओं को, होने वाली चीजों को अपने स्वप्न में देख लेते हैं, अपने पितरों से बात कर लेते हैं, कुल देवी कुल देवताओं से बात कर लेते हैं। तो आखिर ये होता किस प्रकार है और किस प्रकार आप भी इस शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, ये आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव अवश्य ही लिख दें, जिससे भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों आपको बता दें कि काफी लोग ऐसे होते हैं जिनके पास ये शक्ति मौजूद रहती है, काफी लोग सिद्धियों से प्राप्त करते हैं, साधना करके प्राप्त करते हैं, और काफी बार तो महिलाओं को जो बहुत ज्यादा अधिक पूजा पाठ करती हैं उन्हें भी ये शक्ति अपने आप ही प्राप्त हो जाती है, केवल पूजा पाठ से ही प्राप्त हो जाती है। इसीलिए आज तक आपने ऐसे लोग जरूर देखे होंगे जो होने वाली घटनाओं को पहले ही अपने स्वप्न में देख लेते हैं, पितर उन्हें क्या कहना चाहते हैं, कुल देवी कुल देवता क्या कहना चाहते हैं, या कोई भी अदृश्य शक्ति उन्हें क्या कहना चाहती है वो स्वप्न के माध्यम से जान ही लेते हैं। तो आपको बता दें कि ये सभी चीजें तभी केवल होती है जिस व्यक्ति का आज्ञा चक्र उसके प्रभाव में रहता है, यानी कि थोड़ा भी अगर आज्ञा चक्र जागृत होता है तो उसे ये सब चीजें अपने आप ही होने लग जाती हैं। क्योंकि जितनी भी ये शक्तियां होती हैं, जैसे कि वशीकरण, आकर्षण, सम्मोहन, अदृश्य शक्तियों से बात, ये केवल तभी हो सकती हैं जब जिस व्यक्ति का आज्ञा चक्र उसके प्रभाव में होता है। और आज्ञा चक्र को प्रभाव में लाने के लिए हमने काफी बार काफी वीडियो में बताया भी है कि तराटक किया जाता है। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो उन्हें बता दें कि तराटक ऐसी क्रिया होती है जिससे थर्ड आई प्रभाव में आने लग जाती है, जागृत होने लग जाती है। क्योंकि जैसे जब छोटा बच्चा होता है तो उसकी तो थर्ड आई जागृत रहती है, लेकिन जैसे ऐसे बड़े होते चले जाते हैं तो थर्ड आई पर एक कैल्शियम की परत जमा होने लग जाती है। क्योंकि जब जिस चीज का अगर आप इस्तेमाल करेंगे ही नहीं तो वो चीज अपने आप ही बेकार होने लग जाती है। जैसे कि अगर आप अपने हाथों की उंगलियों को बिल्कुल हिलाना डुलाना बिल्कुल बंद कर दें और इन्हें बांध कर रख दें तो एक दो साल बाद ये भी बिल्कुल अकड़ से जाएंगे और आप चाहकर इन्हें हिला भी नहीं पाएंगे। तो इसी प्रकार थर्ड आई के साथ भी होता है कि लोग इसका इस्तेमाल नहीं जानते हैं, किस प्रकार किया जाता है, किस प्रकार इसे प्रभाव में रखा जाता है, इसीलिए बस वह इसकी शक्ति का इस्तेमाल भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर आप रोजाना तराटक करते हैं तो धीरे धीरे जो इसके ऊपर कैल्शियम की परत जमा होती है वो टूटने लग जाती है और ये प्रभाव में आने लग जाती है। अगर आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा अधिक चिंता में रहते हैं, संदेह में रहते हैं, तो आप समझ जाएं कि आपकी थर्ड आई पर बहुत ज्यादा मोटी कैल्शियम की परत जमा हो गई है। क्योंकि जिस व्यक्ति का थर्ड आई आज्ञा चक्र जागृत होता है या प्रभाव में होता है तो ऐसा व्यक्ति स्वयं मृत्यु को देख के भी बिल्कुल विचलित नहीं होता है, ना ही घबराता है, क्योंकि उसे संपूर्ण बातें पता चलती रहती हैं। आज्ञा चक्र के माध्यम से ही वह सब कुछ जान लेता है। और आपको ये भी बता दें कि भूत भविष्य वर्तमान जो ये चीजें देखने की ताकत होती है, जैसे कि आपने काफी लोग ऐसे भी देखे होंगे कि सामने वाले की शक्ल देखकर, सामने वाले की आंखों में देखकर ये भी जान लेते हैं कि सामने वाला क्या सोच रहा है, सामने वाला क्या करने वाला है। और ये चीज हर एक व्यक्ति के पास भी होती है। जैसे कि अगर आप किसी गलत जगह पर जाते हैं तो एकदम से ही आपको आभास हो जाता है कि ये जगह तो गलत है और आपको यहाँ से जाना चाहिए। इसी प्रकार जब आप किसी अच्छी जगह पर जाते हैं तो वहां भी आभास हो जाता है। बल्कि काफी बार आपने खुद भी ये एक्सपीरियंस किया होगा कि सामने अगर आपके कोई व्यक्ति बैठा है और वह गलत सोच रहा है तो आप उसे देखते ही तुरंत समझ जाएं कि ये गलत कुछ करना चाहता है। तो इस प्रकार ये थर्ड आई के माध्यम से ही आप प्राप्त करते हैं और ये केवल उन्हीं लोगों के साथ होता है जिनका थोड़ा भी प्रभाव में रहता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका आज्ञा चक्र प्रभाव में रहे तो आपको रोजाना तराटक करना चाहिए। पिछले वीडियोस में हमने आपको बताया था कि दीपक तराटक किस प्रकार होता है, तो आज के इस वीडियो में सूर्य तराटक के बारे में हम आपको बताएंगे जो बहुत ज्यादा प्रभावशाली होता है। तराटक भी कई प्रकार का होता है, कई प्रकार की उसकी क्रियाएं होती हैं जो हम अपने चैनल में हमेशा ही बताते रहते हैं, क्योंकि इसी चैनल में सबसे ज्यादा खास जानकारी, खास बातें आपको बताई जाती हैं जिससे आप इनका लाभ उठा सकें। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन अवश्य ही दबा कर रखें जिससे जब भी हम आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं तो यह वीडियो आपको समय पर मिला करे। तो दोस्तों आपको बता दें कि सूर्य तराटक करने के लिए आपको केवल इतना करना है कि सूर्य को इस प्रकार से देखना है कि आंखें आपको कम झपकानी है, और जैसे ही आप सूर्य पर तराटक करेंगे और तुरंत आंखें बंद करेंगे तो वही सूर्य आपको थर्ड आई पर भी दिखने लग जाएगा। क्योंकि सूर्य का जो प्रकाश होता है वो थर्ड आई को एकदम से इंस्टेंट प्रभाव में लाता है। इसीलिए जो लोगों को सूर्य तराटक की आदत होती है और बड़ी आसानी से कर भी लेते हैं तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा अधिक शक्तिशाली होते हैं, यानी कि किसी की भी आंखों में देखकर उसे तुरंत पकड़ सकते हैं, उसे जो चाहे करवा सकते हैं।
और काफी लोगों के पास ये शक्ति भी मौजूद रहती है। लेकिन आपको ये बता दें, क्योंकि आप पहले से नहीं करते हैं तो ये धीरे धीरे प्रैक्टिस में आता है, धीरे धीरे से ही आपको शक्तियां प्राप्त होती हैं। तो जब आप सूर्य त्राटक करेंगे तो कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनटों के लिए भी अगर आप कर लेते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा अधिक प्रभावशाली है। जैसा कि हमने बताया है कि कई प्रकार के त्राटक होते हैं, जैसे कि चंद्रमा त्राटक, सप्तऋषि त्राटक, फोटो त्राटक, भगवान के त्राटक, और भी कई प्रकार के अंदरूनी बाहरी सब प्रकार के त्राटक होते हैं जिनके अलग अलग ही प्रभाव मिलते हैं। लेकिन इस वीडियो में सूर्य त्राटक के बारे में बता रहे हैं, जो आने वाले वीडियोज में अलग त्राटक के बारे में भी बताएंगे। लेकिन इसे आप जान लें कि आपको करना इस प्रकार है कि सूर्य को जल देते हुए आप ये कोशिश करें कि जो जल में सूर्य की परछाई होती है उस पर त्राटक करने की कोशिश करें, या फिर एक कटोरी में जल भर के जो सूर्य उसमें दिखाई देता है उसमें भी बड़ी आसानी से त्राटक किया जा सकता है। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट सूर्य पर त्राटक करेंगे तो हो सकता है केवल कुछ सेकंड के लिए ही कर पाएं, क्योंकि आपको प्रैक्टिस नहीं है। तो पानी का इस्तेमाल करते हुए भी आप सूर्य त्राटक बड़ी आसानी से और काफी लंबी देर तक कर सकते हैं। जिस भी चीज में आपको सूर्य की परछाई नजर आए, नजर दिखने लगे, तो बस वहां पर आप त्राटक कर सकते हैं, जो बड़ी आसानी से लंबी देर तक किया जा सकता है। और ये भी बात ध्यान रखें कि अगर आप पानी पर सूर्य त्राटक करते हैं तो इस प्रकार से करना है कि अपनी नजरों को वहीं पर स्टिल रखना है, अपने दिमाग को पकड़ने की कोशिश करनी है, जिससे दिमाग में किसी भी तरह के ख्याल और विचार बिल्कुल भी ना आए। वैसे तो अगर सूर्य त्राटक करते हैं तो अपने आप ही मन और दिमाग के जितने विचार होते हैं वे जलकर तुरंत भस्म होने लग जाते हैं। लेकिन फिर भी आप अंदर से कोशिश ये करें कि बिल्कुल स्टिल आपको होना है, यानी कि बिल्कुल ठहरना है और रुकना है। और जब ये त्राटक आप करेंगे तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि एक धन्यवाद का जो भाव होता है, प्रेम का जो भाव होता है, वो अपने मन में रखना है। यानी कि बिल्कुल भी किसी के प्रति गुस्सा, दुख या कोई चिंता का भाव आपको बिल्कुल भी नहीं रखना है। केवल प्रेम का, ईश्वर को धन्यवाद करते हुए, जिस भी भगवान को आप मानते हैं उनको धन्यवाद करते हुए, प्रेम का और धन्यवाद का भाव करते हुए ही त्राटक किया जाना चाहिए। क्योंकि अगर ये सभी बातों को सुनकर बिल्कुल ऐसे ही आप करते हैं तो आप खुद देखेंगे कि इंस्टेंट कैसे लाभ आपको प्राप्त होता है। इतनी शक्ति आपको अपने अंदर महसूस होने लग जाएगी कि जिन समस्याओं में आप फंसे हुए हैं उनकी छवि आपको तुरंत ही दिखने लग जाएगी कि किस प्रकार आप उन परेशानियों से निकल पाएंगे, समस्याओं से निकल पाएंगे। कई बार तो ऐसा भी होता है, त्राटक करते करते ही व्यक्ति को भूत, भविष्य, वर्तमान दिखने लग जाता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको स्वप्न में निश्चित ही फिर दिखाई देने लग जाता है। अब काफी लोगों के साथ समस्या ये भी होती है कि स्वप्न में सब कुछ देख तो लेते हैं लेकिन जैसे ही उठते हैं कुछ पल के लिए उन्हें सपना याद भी रहता है, और धीरे धीरे जैसे उठ जाते हैं तो सपना बिल्कुल भूल से ही जाते हैं। तो त्राटक करने से जो देखने वाले जो सपने हैं वो भी आपको याद रहने लग जाएंगे, आप स्वप्न में भी अपने आप को जागृत देख पाएंगे और ये भी जान पाएंगे कि ये स्वप्न चल रहा है। अब ये सब चीजें आम इंसान के साथ नहीं हो पाती हैं, क्योंकि जब वह सपना देख रहा होता है तो उसको यही लग रहा होता है कि वह रियल में देख रहा है। लेकिन जब आप त्राटक करना शुरू करेंगे तो आप जब सपना देखेंगे तो ये जान जाएंगे कि ये सपना ही चल रहा है, और फिर इसे बड़ी आसानी से जान भी पाएंगे। इस प्रकार करने से जब कोई अदृश्य शक्ति आपके स्वप्न में आती है, आपसे बात करती है, तो अपनी इच्छा से, अपने मन से कोई भी सवाल उससे पूछा जा सकता है, हल पाया जा सकता है, समस्या का निवारण पाया जा सकता है। तो अब आपको ये करना है कि जिस समय आप त्राटक करेंगे तो उस समय आपको भगवान शिव के बीज मंत्रों का जाप करना है, जो कि इस प्रकार है, ओम ह्रीम ह्रोम नमः शिवाय। बस इसी छोटे से मंत्र का आपको जाप करना है और अपने ध्यान को इसी मंत्र के जाप पर ध्यान केंद्रित करना है। अगर आप भूलकर इस मंत्र का जाप करते हैं तो और भी अच्छा है, लेकिन अगर मन में भी करते हैं तब भी आप इस मंत्र का मन ही मन जाप भी कर सकते हैं। बस इतना सा ही कार्य आपको करना है, रोजाना करना है। और सूर्य त्राटक अगर आप ना कर पाए तो दीपक त्राटक में भी इस प्रयोग को किया जा सकता है। सूर्य त्राटक करने के लिए जल का आपको इस्तेमाल करना है, जैसे कि हमने बताया कि सूर्य की परछाई उसमें दिखाई देनी चाहिए, क्योंकि वैसे ही सूर्य पर त्राटक अगर आप करेंगे तो बिल्कुल भी कर नहीं पाएंगे। पर अगर आप वैसे ही करना चाहते हैं तो कुछ सेकंड के लिए भी ये क्रिया को कर सकते हैं। बस आपको अपने मन को पकड़ना है और इस मंत्र का जाप आपको करना है। सिर्फ इतना सा कार्य करने से ही थर्ड आई जो होती है, आज्ञा चक्र जो होता है, प्रभाव में आता है। और जिस व्यक्ति का आज्ञा चक्र उसके प्रभाव में होता है, ऐसे व्यक्ति के लिए कुछ भी असंभव नहीं होता है। वह जितनी चीजें सोचता है, जो भी चीजें करता है, उसमें उसे निश्चित सफलता प्राप्त होती है। क्योंकि जब वह जान जाता है कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है, क्या करने वाला है,
तो फिर उसके जीवन में कोई भी परेशानी नहीं आ सकती है, फिर वह सुख से जीवन जीता है। तो ये जितनी भी बातें हमने आपको बताई हैं, इन्हें एक बार फिर से सुन लें, जिससे सभी बातें आपको ध्यान रहे। इस खास जानकारी को अन्य लोगों के साथ भी अवश्य शेयर करें, जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें। आने वाले वीडियोस में और भी ज्यादा खास जानकारी के बारे में हम आपको बताएंगे कि जब किसी व्यक्ति का आज्ञा चक्र जागृत होता है तो किस प्रकार उसे संकेत मिलते हैं, क्या क्या चीजें उसके साथ होती हैं और अलग अलग कौन कौन से त्राटक होते हैं। इसीलिए चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दबा दें, जिससे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो दोस्तों, आज के लिए केवल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।